हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शांति निवास में शांति का कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि शांति की पांच बहुएं हेमा, रेखा, जया, सुषमा और मीना चिड़िया घर में कैद जानवरों की तरह लड़ाइयां किया करती थी। ऐसी ही एक सुबह रसोई में जब पांचों बहुएं काम कर रही होती है, तभी नाश्ते की टेबल पर बैठी हुई शांति आवाज देते हुए कहती है, अरे मेरी पांच देवियों, नाश्ता बना या नहीं? जी माँ, नाश्ता ला रहे हैं। इतना कहकर पांचों बहुएं अपने अपने हाथों में खाने की ट्रे लिए लाइन में शांति के सामने आकर खड़ी हो जाती है और शांति बोलती है, अरे सारी की सारी ऐसे स्टैचू की तरह क्यों खड़ी हो, बता भी दो क्या बनाया है। माँ जी, मैंने तो कटलेट और कोकोनट चटनी बनाई है। माँ जी, मैंने पनीर आलू सैंडविच और ग्रीन चटनी। माँ जी, मैंने आलू टमाटर की सब्जी और पूरी बनाई है। माँ जी, मैंने डोसा बनाया है। माँ जी, मैंने तो आलू के पराठे बनाए हैं। नाश्ता तो तुम सबने बढ़िया बनाया है, चलो थोड़ा थोड़ा सब कुछ दे दो। नहीं, ये तो हमने अपने लिए बनाया है। क्या, तो फिर मेरे लिए नाश्ता क्या तुम्हारे ससुर जी बनाएंगे? माँ जी, मुझे तो कहो नहीं, मैं तो सबसे छोटी हूँ, मुझे क्या पता था कि ये चारों जाहिल इतनी पागल हैं कि आपके लिए कुछ बनाएंगे ही नहीं। ओ, तुम सबसे छोटी हो तो मैं भी फिर सबसे बड़ी हूँ, इस हिसाब से तो तुम सबको मुझे भी खाना बना कर देना चाहिए। ओहो, कहना क्या चाहती हो कि हम नौकर बन जाएं और आप आराम से महारानी बनकर बेड पर पसर जाओ। जब इतना नाश्ता बना ही लिया था तो तुम्हें थोड़ा और बनाने में क्या मौत आ रही थी? वैसे भी मैं उतना ही बनाती हूँ जितना खाना होता है। बस करो तुम सब, शर्म आनी चाहिए, पांच पांच बहुओं के होते हुए भी मुझे खाना नसीब नहीं हो रहा टाइम पर। खाओ, जो जो बनाया है खाओ बैठ कर आराम से, मैं अपने लिए खाना खुद बना लूंगी। शांति इतना कहकर मुंह बनाकर रसोई में चली जाती है और खुद के लिए नाश्ता बनाने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और शांति के घर की अशांति यूं ही कायम रहती है। कभी शांति की पांचों बहुएं खाने को लेकर लड़ती, तो कभी शॉपिंग, और कभी कभी तो बेवजह ही लड़ पड़ती। ऐसे ही एक दिन हेमा झाड़ू लगा रही होती है, तभी जया पीछे पीछे पोछा लेकर वहाँ आती है और ये सब होता देखकर शांति कहती है, ये क्या हो रहा है, कौन से मेहमान आ रहे हैं घर में जो तुम दोनों इतनी स्पीड में काम कर रही हो? माँ जी, यहाँ तो कोई नहीं रहा है, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ, बाकी कोई करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही कह रही हैं हेमा दीदी, हम सब अपना अपना काम खत्म कर रहे हैं। हेमा दीदी ने झाड़ू लगाया, मैंने पोछा लगा दिया, जया रसोई में सफाई कर रही है, सुषमा बर्तन धो रही है और मीना कपड़े धो रही है। हम सब ने काम बांट लिया है ताकि हम एक दूजे से बहस करके अपना मुंह दर्द ना करें। अरे लड़ गए हैं, अरे हम थक गए हैं लड़ लड़ के। अच्छा ठीक है, जो करना है करो, तुम पांचों के बीच बोलने का फायदा भी नहीं है। शांति इतना बोलकर वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी बाकी की तीन बहुएं वहाँ आकर कहती है, माँ जी आप बचकर कहाँ जा रही हो, आपने सबके काम तो सुन लिया, कौन क्या कर रहा है, जरा अपना काम भी सुनते जाओ। मेरा काम? मेरा कौन सा काम? खाना बनाने का काम माँ जी, वो कौन करेगा, आप करोगी? हाँ जी माँ जी, सुषमा दीदी सही कह रही है, हम सब बाकी का काम कर रहे हैं, तो आप भी ये काम करो। जिसे जो खाना है रसोई में जाकर बना ले, मैं किसी के लिए कुछ नहीं बनाकर देने वाली, आई बात समझ में, खुद के लिए बनाऊंगी, खुद ही खाऊंगी। इतना कहकर शांति भी वहाँ से चली जाती है और उन पांचों के बीच फिर से लड़ना झगड़ना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे घर के हालात इस कदर खराब हो जाते हैं कि आसपास के लोग भी अब शांति को तरह तरह की बातें सुनाने लगे थे। बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब आवाजों के साथ साथ घर की चीजें और खिड़कियां दरवाजे से भी बाहर जाने लगी थी। बिगड़ते हुए हालातों को देखते हुए शांति को कुछ समझ नहीं आता। ऐसे ही जब एक दिन उसकी बहुएं लड़ रही होती है, तभी शांति अपनी बहुओं के पास आकर कहती है, बंद करो अपना ये हल्ला गुल्ला, अरे छोटी बच्ची हो क्या, कितनी बार समझाया तुम सबको, लेकिन तुम हो कि समझने को तैयार ही नहीं हो, हद कर दी है, पहले तुम बातों के बाण एक दूसरे पर चलाती थी और अब तो हाथों के वार भी चलाना शुरू कर दिया है, तो क्या करें? हमें बता दो आप ही फिर। हमने नहीं कहा था आपको कि आप पांच पांच बहुएं लेकर आओ,
इतनी ही थक गई हो हमसे तो अपने बेटों को कुंवारा ही रख लेती ना, ना कराती उनकी शादी। अरे आपसे क्या कहना, मुझे सब पता है, ये मजे लेती हैं जब हम लड़ते हैं तब। तभी तो हर बार ऐसे पल्ला छुड़ा के भाग जाती हो हमसे। बस बंद करो अपनी ये बकवास तुम सब, आज के बाद तुम पांचों अपने सारे काम खुद करोगी, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। मैं तुम सबको अलग करती हूँ, आज से तुम पांचों अपना अलग खाना बनाना और अलग खाना, ना मैं तुम सबके साथ रह सकती हूँ ना तुम एक दूसरे के साथ रह सकती हो, तो बेहतर यही है कि तुम सब अलग हो जाओ, कम से कम शांति निवास में शांति तो होगी। ठीक है, जैसा आप सही समझे माजी। इतना कहकर वो पांचों बहुओं को उनके हिस्से का सामान देती है और सबको घर के एक एक फ्लोर पर शिफ्ट कर देती है। दिन यूं ही गुजरते जाते हैं। अब ना तो शांति निवास में अशांति का माहौल था और ना ही कोई बहस होती थी, पर कहीं ना कहीं पांचों ही बहुएं मन ही मन एक दूसरे के बिना और शांति के बिना उदास थी। ऐसे ही एक शाम जब शांति मंदिर में बैठी पूजा कर रही होती है, तभी आंखों में आंसू लिए हेमा उसके पास आती है और बिना कुछ कहे उसके गले लग जाती है। तभी शांति कहती है, क्या हुआ बहू, तो ठीक है ना, रो क्यों रही है? माँ जी मुझे माफ कर दो, मैं नहीं रह सकती हूँ आपके बिना, भले ही कितना भी तकरार क्यों ना हो, लेकिन मुझे आपसे प्यार भी बहुत है, प्लीज मुझे आपके साथ रहना है। अरे पगली तो रोती क्यों है, मैं तो हमेशा तुम सबके साथ हूँ। शांति इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर रेखा और सुषमा आते हैं और दोनों हाथ जोड़कर शांति से माफी मांगकर कहती हैं, माँ जी हम भी नहीं रह सकते आपके बिना, हम समझ गए हैं कि हमारी खुशी एक साथ रहने में है, अलग अलग रहने में नहीं। आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता माँ जी, न खाना न रहना। हाँ माँ जी आप हमें अपने पास वापस बुला लो, नहीं तो हम रो रो कर आधे हो जाएंगे। हम सबको समझना चाहिए कि ये घर हमारा ही है और हम सबको मिलकर रहना चाहिए क्योंकि हम सब एक ही परिवार हैं। रेखा और सुषमा ये बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर जया और मीना भी आकर कहती है, माँ जी आज के बाद हम सब कभी नहीं लड़ेंगे और ना ही कोई बहस करेंगे, बस आप हमें खुद से दूर मत करो और ना हम सबको अलग अलग करो। जी माँ जी हम सब साथ रहेंगे, एक परिवार बनकर, कभी कोई मर्जी नहीं चलाएंगे अपनी। हम सबको वापस अपने पास बुला लो ताकि हम फिर से एक साथ रह सके, ऐसे एक घर में अलग अलग फ्लोर पर किराएदार की तरह रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हमें बस आपके साथ रहना है, कोई तकरार नहीं करनी। जी माँ जी हमें आपके साथ रहना है। अपनी पांचों बहुओं की बातें सुनकर शांति के दिल को बहुत शांति मिलती है और वो कहती है, मेरी पांच तकरार वाली बहुओं मैं भी यही चाहती थी कि हम सब हमेशा एक साथ यूं ही खुश रहें। चलो देर से ही सही, कम से कम तुम सबको ये बात समझ तो आ गई। अब वापस से तुम सब एक साथ मेरे साथ रहो और इस शांति निवास में अशांति फैला दो, पर खुशियों की अशांति, तकरार की नहीं। जी माँ जी जैसे ऐसा। इतना कहकर पांचों बहुएं खुशी से मुस्कुरा पड़ती हैं और फिर से एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगती हैं, वो भी बिना किसी तकरार के। तो दोस्तों यूं ही मिलकर परिवार बनाएं, क्योंकि खुशी एक से नहीं बल्कि सब से होती है। सुहानी सुबह उठती है और अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है तो वो मन ही मन कहती है, हे भगवान ये बिन बुलाए मेहमान कभी भी आ जाते हैं मुंह उठाकर और वो भी सुबह सुबह। तभी उसकी माँ कुसुम वहाँ आ जाती है और बोलती है, कब तक सोएगी बेटा, उठ जा। मम्मी मुझे पीरियड्स हुए हैं। कोई बात नहीं बेटा, ये तो हर महीने का है। मम्मी जरा अलमारी से पैड देना प्लीज। अच्छा रुक लाती हूँ। सुनिए मम्मी भैया को बोल देना कि मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दे, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझसे चला नहीं जाएगा। हाँ हाँ ठीक है बेटा, तू तैयार हो जा, मैं बोल देती हूँ तेरे भाई को, और सुन नाश्ता करके ही जाना ठीक है। थोड़ी ही देर के बाद सुहानी नहा धोकर कॉलेज के लिए तैयार हो जाती है और नीचे जाकर नाश्ता करती है, फिर अपने भाई रवि से कहती है, भैया आज मेरे पीरियड्स का टाइम शुरू हो गया है तो आज से लेकर 5 दिन तक आप मुझे डेली कॉलेज छोड़ने जाएंगे। हाँ पागल तुझे ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझता हूँ। आप दुनिया के बेस्ट भैया हो। ऐसे ही 5 दिन बाद सुहानी जब कॉलेज की क्लास ले रही होती है कि इसी बीच उसकी दोस्त पायल को पीरियड्स की लीकेज होने लगती है
और पेट में बहुत दर्द होता है। पूरी क्लास लड़कों और लड़कियों से भरी हुई होती है। पायल उन सभी के बीच में बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है। ये सब सुहानी देख रही होती है और वो खड़े होकर सर से बोलती है, सर सॉरी, डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन पायल को पीरियड्स की लीकेज हो रही है और उसे वॉशरूम जाने में सबके सामने अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, प्लीज क्लास को रोक दीजिए। पायल गुस्से से सुहानी को देखती है मगर उससे बिना कुछ कहे वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी ही देर के बाद क्लास खत्म होने के बाद पायल गुस्से से सुहानी के पास जाती है और उससे बोलती है, तुम बेशरम हो क्या? सॉरी बट मैंने क्या किया? अरे गधी कहीं की, सबके सामने बोलना बहुत जरूरी था क्या? मुझे पीरियड्स हुए यार, सारी क्लास लड़के लड़कियों से भरी हुई थी, सबके सामने ना मेरी इज्जत का फलूदा बना दिया तूने। ओ हेलो मैडम, शट अप और बात ध्यान से सुन ले मेरी, समझी? पीरियड्स कोई छुपाने वाली चीज नहीं है और ना ही शर्माने वाली। अरे ये तो नेचुरल है यार, सब लड़कियों को होता है, तो इसके बारे में बोलने में शर्माना कैसा? और हाँ, ये कोई श्राप नहीं है, गॉड गिफ्ट है। इतना बोलकर सुहानी वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है और ऑटो लेकर घर पहुँचती है तो उसका भाई उसके लिए पानी लेकर आता है और बोलता है, क्या हुआ गुड़िया, तू ठीक तो है ना? भैया क्या बताऊँ, मेरी दोस्त को पीरियड्स हो गए थे, अब उसे वॉशरूम जाने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था तो मैंने सर से बोल दिया, मगर वो इस बात पर गुस्सा कर गई, उसे लगा कि उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसके घर का माहौल ही ऐसा होगा जहाँ पीरियड जैसी बातें नहीं कर सकते या खुलकर बता नहीं सकते। उसके घर वालों को उसे और स्ट्रांग बनाना चाहिए ताकि वो सबके सामने ये बोल सके, जैसे मेरी बहन। हाँ भैया आप सही कह रहे हैं, पता नहीं ये पगली लड़कियाँ कब इस बात को समझेंगी, पर मैं तो बेधड़क हूँ, मैं तो सबको समझाऊंगी। ऐसे ही कुछ समय के बाद कुमकुम और रवि सुहानी की शादी एक अंकित नाम के लड़के से करवा देते हैं। शादी के बाद ससुराल में कुछ दिन तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता है। ऐसे ही एक दिन सुहानी के ननद कोमल को पहली बार पीरियड्स हो जाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। ये बात वो जाकर अपनी भाभी और अपनी माँ आनंदी को बताती है, तभी सुहानी उससे कहती है, वाह कोमल ये तो गुड न्यूज है, पर तुम याद रखना कि इस टाइम पर तुम्हें साफ सफाई का बहुत ख्याल रखना है, डेली नहाना है, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं और हाँ कुछ ज्यादा हैवी काम मत करना। हाँ और ये अचार वगैरह पूजा पाठ ये सब मत करियो। अरे सुन, अरे धीरे बात कर, तेरा भाई बैठा हुआ यहाँ पे, समझी? ये सारी बातें मर्दों से छुपा कर रखते हैं और तुझे पहली बार हुआ है ना, इसलिए तुझे बता रही हूँ। और ये ले, लगा ले इसे। अरे माँ जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप, कपड़ा क्यों दे रही हैं यूज करने के लिए, घर में पैड नहीं है क्या? अरे अभी है नहीं घर में, इसीलिए कपड़ा यूज कर ले। नहीं माँ जी एक मिनट रुकिए, मैं अंकित जी को बोल देती हूँ, वो ले आएंगे जल्दी से बाजार जाकर। हाय राम जी, अरे कितनी बेशरम औरत है तू, एक भाई से उसकी बहन के महीने के बारे में उससे बोल रही है और ऊपर से पैड लाने को बोल रही है, वो भी बहन के लिए, दिमाग वगैरह ठीक तो है ना तेरा? इसमें शर्म जैसी क्या बात है, मैं अपने भाई से भी मंगाती थी, खुलकर बात करती थी। अरे तू तो बेशरमपंती करती ही है, तो इसका मतलब हम भी करें क्या? तू चुपचाप इसे इस्तेमाल कर ले और इस नासपिटी कलमुही की बात में मत आ। इतना कहकर आनंदी वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद सुहानी कोमल से बोलती है, देखो कोमल तुम थोड़ा सा वेट कर लो, तब तक तुम कपड़ा रख लो, मैं तुम्हारे भैया से बोलकर तुम्हारे लिए पैड मंगवा देती हूँ। और घबराना और डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है? कोई शर्म वाली बात नहीं है इसमें। कोमल को समझाकर सुहानी वहाँ से अंकित के पास चली जाती है और उसे सैनिटरी नैपकिन का पैकेट लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर भेज देती है। थोड़ी देर के बाद अंकित वो लेकर आता है और सुहानी उसे लेकर कोमल के पास जाती है और उससे बोलती है, ये लो कोमल और उस कपड़े को धोकर धूप में सुखा देना और उसके बाद जला देना और आगे से हमेशा पीरियड्स के टाइम पर पैड यूज करना। भाभी मुझे ना ये यूज करना नहीं आता है। सुहानी उसे पैड लगाने का प्रोसीजर बताती है, साथ ही उसे इम्पोर्टेंस भी बताती है, जिसके बाद कोमल हमेशा अपने पीरियड्स के टाइम पर सैनिटरी नैपकिन्स का ही इस्तेमाल करने लगती है और उसे कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन जब सुहानी को पीरियड्स होते हैं तो वो ये बात अपनी सास को बताती है
और रसोई में काम करते हुए अपनी सास के सामने अचार के डब्बे में से अचार निकाल कर कहती है, माँ जी देखिए आपके सामने अचार के बरनी से अचार निकाल रही हूँ, अब देखते हैं अचार खराब होता है या नहीं। अरे ओ पागल, तेरे चक्कर में मेरा पूरा अचार खराब हो जाएगा, अभी तो हमने खाया भी नहीं है ढंग से। देखते हैं माँ जी, अब तो एक हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा, मैंने तो हाथ लगा दिए इसे। अरे नास पिटी सत्यानाश हो तेरा, तेरी वजह से पूरा अचार का डिब्बा खराब हो जाएगा। एक हफ्ते के बाद सुहानी अचार के डब्बे को अपनी सास के पास ले जाती है और उसमें से अचार निकाल कर उन्हें दिखाती है तो वो अचार वैसा का वैसा ही होता है, जिससे उसकी सास की बोलती बंद हो जाती है। ऐसे में सुहानी कहती है, माँ जी अपनी इस पुरानी सोच को बदलिए। अरे पहले के टाइम पर लड़कियों को अचार इसलिए नहीं दिया जाता था क्योंकि पीरियड्स के टाइम पर लड़कियों और औरतों के बॉडी में विटामिन सी की मात्रा ज्यादा नहीं जानी चाहिए, ये उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, इसीलिए खट्टे फल दही और अचार जैसी चीजों से परहेज रखवाया जाता था। तभी वहाँ अंकित और कोमल भी आ जाते हैं और अंकित कहता है, हाँ माँ पीरियड्स एक नेचुरल चीज है, इसके बारे में सबको पता है और हमें इसके बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। हाँ माँ, साथ ही हमें ये कपड़े का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए क्योंकि कपड़े से इन्फेक्शन का डर बहुत ज्यादा होता है, साथ ही कपड़े गंदे होने का भी डर बना रहता है। और भाभी ने मुझे ये सारी बातें अच्छे से समझाई है और मुझे उन दिनों में तकलीफ तो होती है पर इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती और मैं आराम से कहीं भी आ जा सकती हूँ। सही कह रहे हो तुम दोनों, अगर हर माँ बाप सुहानी के माता पिता के जैसे हो जाए तो इस देश की सारी लड़कियाँ हर व्यक्ति की सोच बदल सकती हैं। आखिर मैं भी तो एक नारी हूँ और हर नारी को इस दौर से गुजरना ही पड़ता है। इस तरह सुहानी के ससुराल वालों की सोच बदल जाती है और एक दिन सुहानी अपनी ननंद से बोलती है, कोमल मैं क्या सोच रही थी कि तुम्हारी ही तरह न जाने कितनी लड़कियां होगी जिन्हें पीरियड्स की सही जानकारी और पैड का यूज करना नहीं आता होगा, क्यों ना हम उनको अवेयर करें। हम दोनों मिलकर यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं ताकि हम सबको अवेयर कर सकें। दोनों ननंद भाभी मिलकर यूट्यूब पर पीरियड्स और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर वीडियोस बनाना शुरू कर देती है जिसे जनता द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और साथ ही साथ वो सभी मन में पीरियड्स को लेकर जो भी मिथ थे वो सभी दूर हो जाते हैं, जिसके बाद सब लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। श्रेया को पहली बार पीरियड्स हुए थे, उसके लिए ये एहसास बिल्कुल ही अलग नया और दर्द भरा था। उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। उसका मन बहुत मचल रहा था तो वो अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण को फोन करती है और उससे बोलती है, सुनो आज ना मेरा गोलगप्पे खाने का बहुत दिल कर रहा है, वो क्या है ना मुझे पीरियड्स हुए हैं तो मेरा मन ना कुछ खट्टा सा खाने का कर रहा है, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं बस 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाओ। प्रवीण श्रेया के घर पहुँचता है, उसे आवाज लगाता है, फिर वो दोनों उसकी बाइक पर बैठकर गोलगप्पे खाने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों गोलगप्पे वाले के पास पहुंचते हैं तभी श्रेया प्रवीण से कहती है, यार अब मेरा गोलगप्पे खाने का जरा भी दिल नहीं कर रहा। तो क्या खाने का दिल कर रहा है? मुझे ना केक खाना है, चॉकलेट वाला। और इन गोलगप्पों का क्या होगा? इन्हें तुम खा लो, मुझे बस केक खाना है। प्रवीण गोलगप्पे का बिल पे करता है और श्रेया को एक केक शॉप में लेकर जाता है और बोलता है, देख लो कौन सा केक खाना है तुम्हें। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सा लूं। तुम तो कह रही थी कि तुम्हें चॉकलेट वाला केक खाना है, अब क्या सोच रही हो? यार यहाँ पर इतने सारे केक है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कौन सा लूं। एक काम करते हैं, चॉकलेट वाला ही ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है। प्रवीण उसके लिए चॉकलेट केक खरीद लेता है पर श्रेया का मन अब कुछ और खाने का करने लगता है तो प्रवीण से वो बोलती है, सुनो ना अब क्या है, मेरा अब केक खाने का भी मूड नहीं है। अब तो मैंने ये खरीद लिया है, इसका क्या होगा? इसे तुम खा लो, मुझे अब ठंडी ठंडी आइसक्रीम खानी है। क्या यार इतनी देर हो गई, कभी ये कभी वो, आखिर तुम्हें खाना क्या है? प्रवीण की बातों को सुनकर श्रेया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो बिना कुछ कहे उस शॉप से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही प्रवीण को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है, यार मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए कि वो किस हालत में है, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए उससे जाकर।
इस सब के बाद प्रवीण उसके लिए एक डार्क चॉकलेट खरीदता है और उसके पास ले जाता है। श्रेया पास के ही पार्क में एक बेंच पर गुस्से से रो रही होती है। मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। अच्छा ठीक है, बात मत करो, पर ये तो ले लो। चॉकलेट तुम्हें पसंद है ना? बहुत। प्रवीण श्रेया को खुश रखने की पूरी कोशिश करता है, साथ ही वो उसके पीरियड्स के दौरान होने वाले मूड स्विंग्स को भी समझने की पूरी कोशिश करता है। उसे इस बात का एहसास होने लगता है कि श्रेया को कब किस चीज के सबसे ज्यादा जरूरत है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और श्रेया को फिर से पीरियड्स होते हैं और इन 5 दिनों के दौरान प्रवीण श्रेया को बहुत खुश रखता है और उसका चिड़चिड़ापन मूड स्विंग्स की आदत को हंसते हंसते हैंडल कर लेता है। इस तरह श्रेया अपने पीरियड्स खत्म होने के बाद प्रवीण के पास जाती है और उसे जोर से गले लगाते हुए बोलती है, यार मुझे माफ कर दो, मेरे पीरियड्स के दौरान मैंने तुमसे बहुत रूडली बिहेव किया और तुम पर बहुत चिल्लाई भी। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ तुमने वो सब क्यों किया है। सच में मैं प्यार करता हूँ तुमसे श्रेया, तुम्हारी तकलीफ को मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। थैंक यू सो मच प्रवीण, मुझे तो लगा था कि शायद तुम मेरी सिचुएशन को और मेरे दर्द को समझ ही नहीं पाओगे। तुम्हारे दर्द को तो मैं नहीं समझ सकता, लेकिन तुम्हारे दर्द को कम जरूर कर सकता हूँ और हमेशा करूँगा। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। प्रवीण के ऑफिस में उसकी एक दोस्त प्रिया को भी अचानक पीरियड्स हो जाते हैं, लेकिन उसे इस बात की कोई भनक नहीं होती, जिसकी वजह से उसकी स्कर्ट पर दाग लग जाता है और ये चीज प्रवीण देख लेता है और वो उसका तुरंत हाथ पकड़कर अपने कैबिन में खींचकर उसे ले जाता है। तभी प्रिया गुस्से में उससे बोलती है, ये क्या कर रहे हो तुम और मुझे अपने कैबिन में लेकर क्यों आए। पहले तुम शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो ध्यान से। क्या सुनूं मैं, हाँ ऑफिस वाले क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। जो सोचना है सोचने दो, मुझे बस तुम्हारी बदनामी होने से तुम्हें बचाना था। मेरी बदनामी मतलब क्या है तुम्हारा। अपने पीछे देखो। जैसे ही वो पीछे देखती है तो उसे वो दाग नजर आते हैं और उन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और फिर प्रवीण से बोलती है, थैंक यू सो मच, अगर आज तुम मुझे यहाँ लेकर नहीं आते तो न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। कोई बात नहीं, बस तुम अपना ध्यान रखो और अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं तो मुझे बता दो, मैं लेकर आ जाता हूँ, या तुम वेट करो मैं मार्केट से लेकर आता हूँ कुछ। हाँ है तो मेरे पर्स में, अगर तुम ला दोगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी। अभी लेकर आया, तुम इतने थोड़ी रिलैक्स हो जाओ। इस सब के बाद प्रवीण प्रिया के कैबिन में उसके कपड़े लेने के लिए चला जाता है और उसे ऐसा करते हुए मेघना देख लेती है। वो जल्दी से प्रिया के कपड़े लेकर वापस अपने कैबिन में आता है और प्रिया को दे देता है। तभी प्रिया उससे बोलती है, थैंक यू वंस अगेन, आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है आज। ये तो मेरा फर्ज था, बस आप अगली बार से थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा। जी जरूर, अब मैं चलती हूँ, अगर किसी ने हमें एक साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग तरह तरह की बातें बनाने लगेंगे। जी जी जाइए और अपना ख्याल रखिएगा। इतना कहकर प्रवीण वहाँ से चला जाता है और कुछ ही देर के बाद प्रिया भी अपने कपड़े बदलकर वापस अपने कैबिन में जा रही होती है कि तभी मेघना उसके पास आती है और उससे बोलती है, और क्या चल रहा था प्रवीण के कैबिन में। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। हाँ हाँ मुझे सब पता है कि तुम क्या कर रही थी प्रवीण के साथ। ऐसा कुछ नहीं है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो। मुझे जो समझना था मैं समझ चुकी और अब मैं जा रही हूँ यहाँ से और सबको बता दूंगी कि आखिर हमारे ऑफिस में क्या गोलमाल चल रहा है। और उससे भी पहले मुझे किसी और को बताना है और वो है श्रेया, प्रवीण की गर्लफ्रेंड। इतना कहकर मेघना वहाँ से चली जाती है तो प्रिया उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है, लेकिन अपने पेट दर्द की वजह से वो नहीं पकड़ पाती। इतने में मेघना वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। प्रिया प्रवीण के पास वापस जाती है लेकिन वो अपने कैबिन में नहीं होता। जब वो उसे फोन करती है तो उसका फोन भी नहीं लगता। प्रिया को बहुत चिंता सताती है तो प्रिया जल्दी से ऑफिस से निकलकर प्रवीण के घर पहुंच जाती है। प्रिया तुम यहाँ, सब ठीक तो है ना। हाँ सब ठीक है, मैं बस आपको कुछ बताने आई थी। पहले तुम अंदर आ जाओ, आराम से बैठकर बात करते हैं। प्रवीण प्रिया को घर के अंदर ले जाता है। जैसे ही वो उसे कुछ बताने वाली होती है कि तभी वहाँ पर श्रेया के साथ मेघना भी आ जाती है। मेघना और श्रेया को एक साथ देखकर प्रिया के तो होश ही उड़ जाते हैं और प्रवीण श्रेया से पूछता है, श्रेया तुम यहाँ और इस वक्त ऑफिस नहीं गई। नहीं यार,
बहुत जल्दी आ गई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, बस ये मेघना है ना, इसकी जरा तबीयत तंग है, उसी को ठीक करना है। अरे यार श्रेया, तू ये सब क्या बोली जा रही है? भूल गई क्या कि मैंने तुझे क्या बताया था? और ये देख, जब तू घर पे नहीं थी तब ये प्रिया यहाँ भी आ गई। मुझे क्या बोलना है क्या नहीं, ये मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। समझ गई, तुम्हें क्या लगा था कि तुम जो भी कहोगी मैं उसे सच मान लूंगी? मतलब ये है कि परवीन ने मुझे पहले ही फोन कर सब कुछ बता दिया था कि किस तरह से प्रिया के कपड़े खराब हो गए थे, और फिर उसने उसकी मदद की, समझी? जिसे तुम गलत तरीके से मुझे बताने की कोशिश कर रही थी। थैंक यू मुझे समझने के लिए, मैं बहुत डर गई थी कि कहीं मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ आई थी। नहीं प्रिया, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि इस हालत में परवीन ने तुम्हारा साथ दिया। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड मिला। जैसा कि तुम जानती ही हो कि पीरियड्स के टाइम पर लड़कियाँ कितना चिड़चिड़ी हो जाती हैं, ना कुछ खाने का मन करता है, बॉडी में सूजन आ जाती है, पैर भी सूज जाते हैं, और दर्द के मारे तो जान निकलती ही जाती है। ऐसे में परवीन मेरी डाइट का और मेरे मूड का दोनों का बहुत ख्याल रखता है। श्रेया की बातों को सुनकर मेघना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि कभी भी पूरी बात जाने बिना किसी पर भी कोई भी इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, पहले सच का अच्छे से पता लगाना चाहिए। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और कुछ ही समय के बाद प्रवीण और श्रेया एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पीरियड्स वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे पीरियड्स के दौरान इतने ज्यादा मूड स्विंग्स होते हों? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।